ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और इसे हमें सेकेंड राउंड के लिए रिजर्व रखना चाहिए। लेट ए वन, ए टू, ए थ्री, बी थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम कहेंगे ए टू अपॉन ए वन इक्वल होगा ए थ्री अपॉन ए टू के, और लेट अस से ये इक्वल होगा कॉमन रेशियो आर के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए टू जो है वो इक्वल हो जाएगा ए वन मल्टीप्लाइड बाई आर के, अगर हम फर्स्ट और लास्ट पर फोकस करें, और ए थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू मल्टीप्लाइड बाई आर के, और अगर ए टू की वैल्यू हम ए वन आर यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा ए वन आर स्क्वायर के। ए वन, ए टू और ए थ्री के वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ द इक्वेशंस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो एंड बी वन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी टू एक्स प्लस बी थ्री इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए टू एक्स, ए टू की जगह हम लिख सकते हैं ए वन इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, प्लस ए थ्री, ए थ्री की जगह हम लिख सकते हैं ए वन टाइम्स आर स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो। यहां पर वी कैन टेक ए वन एस कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आर प्लस आर स्क्वायर। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वन ये हो जाएगा एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, या हम यहां कहेंगे एक्स की वैल्यू माइनस आर के इक्वल है। याद रखिए ए वन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं रहेगी अगर हम ए वन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। सो ए वन के नॉट बी जीरो, सो देयर फोर एक्स इक्वल्स टू माइनस आर, ये हमारा एक सोल्यूशन होगा। यहां पर इसको हम रूट कहेंगे। दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, एक्स इक्वल टू माइनस आर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो ये है बी वन इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस आर पुट किया तो ये हो जाएगा बी वन इंटू माइनस आर का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर, टू बी टू एक्स माइनस आर पुट किया तो ये हो गया माइनस टू बी टू आर प्लस बी थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। एक काम हम करें, ये माइनस टू बी टू आर को राइट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा बी वन आर स्क्वायर प्लस बी थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी टू आर। नाउ आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहां देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए थ्री अपॉन ए वन, तो हम इसे लिखेंगे बी वन मल्टीप्लाइड बाई ए थ्री अपॉन ए वन प्लस बी थ्री हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ बी टू मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की जगह अगेन हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह हम लिख सकते हैं ए थ्री अपॉन ए टू, सो विल राइट डाउन ए थ्री अपॉन ए टू। अगर इक्वेशन में दोनों तरफ हम ए थ्री से डिवाइड कर दें तो यहां भी ए थ्री से डिवाइड हो जाएगा, यहां भी ए थ्री से डिवाइड हो जाएगा, और यहां भी ए थ्री से डिवाइड हो जाएगा, ये ए थ्री से ए थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये ए थ्री से ए थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा इक्वेशन में, बी वन अपॉन ए वन प्लस बी थ्री अपॉन ए थ्री इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी टू अपॉन ए टू के। एक बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई के इक्वल हो तो एक्स वाई और जेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अगर इसको हम एक्स लेते हैं, इसे जेड लेते हैं और इसे वाई लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी वन अपॉन ए वन, बी टू अपॉन ए टू एंड बी थ्री अपॉन ए थ्री ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।